सेवेंथ एपिसोड में हम देखे थे मिस्टर ना और जनहेमी एक साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे थे और ये देख के चुई मायम को खींच के बाहर लाता है, जिससे तो हमारी मायम बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। अब आगे बाढ़ में बैठ के मिस्टर ना कहता है उसे प्रिंसेस कोमेहो जैसा कॉमिक लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी वो कुछ अलग करना चाहता है। तो फिर जनहेमी उसे लालच देता है कि अगर वो इस कंपनी को छोड़ के उसकी कंपनी में काम करे तो वो जो चाहे वो कर सकता है और वहाँ पे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। इस तरफ दिखाया जाता है पोमी नहा के आती है और उसके किटन्स के साथ खेलने लगती है, तभी वो कैमरा के घूमने की आवाज़ सुन पाती है। पहले तो वो ये आवाज़ नजरअंदाज कर देती है, लेकिन बाद में देखती है वहाँ पे सच में कैमरा लगा है, तो इससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कुछ देर बाद जनयान आके सारे कैमरा की कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद जो जो कैमरा हैक किया गया था उसके सामने टेप लगा देता है और इस तरफ जो आदमी कैमरा की मदद से पोमी पे नजर रख रहा था वो ये सब देख के बहुत परेशान हो जाता है। फिर पोमी जनयान को बताती है उस दिन जब वो पार्किंग एरिया में थी तभी उसे लगा था कोई उसकी फोटो ले रहा है, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया था। तो जनयान उसे कहता है अभी पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए। इस तरफ मायूम मीटिंग के दौरान उसी बात को लेके चिंतित थी कि वो दोनों एक साथ क्या कर रहा था। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वो चोई से जाके कहती है क्या उसे मिस्टर ना के घर में जाना चाहिए, तो मिस्टर ना उसे मना करता है क्योंकि आज वो उनसे मिलने वाला है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे मिलता है जहाँ चोई बताता है उसने कल रात जनहेमी के साथ उसे देखा था बाड़ में। फिर वो पूछता है क्या वो वेबटून कंपनी को छोड़ने वाला है, तो मिस्टर ना आंसर देता है वो इसी बारे में अभी नहीं सोचा है। चोई कहता है क्या आप प्रिंसेस कोमेहो पूरा करेंगे, मिस्टर ना कहता है वो सोच के बताएगा क्योंकि वो अभी कुछ अलग सा स्टोरी लिखना चाहता है। तो चोई बोलता है वो लोग उनका फीस भी बढ़ा सकता है और वो जो भी चाहे वो कर सकता है। सीधी तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करता है वेबटून कंपनी को ना छोड़ने के लिए। सिर्फ मायूम तो इन सब बातों की वजह से बहुत चिंतित थी, तो सभी स्टाफ उसे खींच के लेके आता है और वो लोग उनसे परेशानी का कारण पूछता है। तो मायूम और ना छुपा के बोल ही देती है कल रात के बारे में और ये सुन के वो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर मायूम और जनयान चलते चलते मार्केटिंग टीम के सामने आता है, तभी उनसे ग्वानयान का मुलाकात होता है, तो वो जनयान को अकेले में लेके चला जाता है जो देख के मायूम को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। फिर ग्वानयान जनयान से वेबटून के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। जनयान बताता है वेबटून अपने मेन आर्टिस्ट को खोने वाला है, तो वो बोलता है वेबटून कंपनी ग्वानयान की हेल्प के बिना अधूरा है। फिर चियाल आता है डायरेक्टर से मिलने, जहां डायरेक्टर उसे ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मना करता है क्योंकि पहले से ही जिंजर टून में बहुत सारे इन्वेस्ट किया गया है। इस तरफ मायूम देखती है मिस्टर ना ने प्रिंसेस कोमेहो का 2-3 एपिसोड पहले से ही भेज दिया है, जो देख के वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर मीटिंग में चियाल चोई और मायूम से कहता है मिस्टर ना को मनाने के लिए वो जो भी चाहे कर सकता है क्योंकि मिस्टर ना की वजह से ही उनके पास इतना पैसा आता है। रात में मिस्टर ना उनकी गर्लफ्रेंड से कहता है वो शायद प्रिंसेस कोमेहो को छोड़ने वाला है और किसी नया प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला है, जो सुन के उनका गर्लफ्रेंड बहुत ही खुश हो जाता है और इसके खुशी में वो उनको खींच के रेस्टोरेंट पे लाता है। फिर वो जब रात में घर आता है तो मायूम उनको कॉल करता है और कहता है प्रिंसेस कोमेहो उसकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है और बहुत पहले से वो प्रिंसेस कोमेहो के साथ जुड़ चुकी है, लेकिन ये सब बात मिस्टर ना बिल्कुल भी सीरियस तरीके से नहीं लेता। कॉल रखने के बाद मिस्टर ना को याद आता है उसने जब प्रिंसेस कोमेहो को स्टार्ट किया था तभी चोई उसे किस तरह से कॉमिक में सुधार लाने को कहा था। इस तरफ मायूम की बहन को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप पे वेबटून आर्टिस्ट को लेके मीम बना रहा था और जो बाद वो अपनी फैमिली से छुपा रहा था। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में जहाँ चोई मायूम को समझाती है कि दलियांग को समझाने के लिए कैसे कॉमिक में ड्राइंग करना है ताकि सभी उस कॉमिक को समझ सके। फिर सुबह मायूम जाती है दलियांग से मिलने जहाँ वो उसे अच्छे से समझाती है कि ड्राइंग में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए स्टोरी को ताकि सभी रीडर उसे अच्छे से समझ सके। फिर जब दलियांग घर जाने के लिए खड़ा होता है तभी एक लेडी वेट्रेस के साथ उसका धक्का लग जाता है और वो लड़की गिरने से बचने के लिए जब उसका हाथ पकड़ता है तो वो बहुत ही डर जाता है और डर के मारे उसे धक्का दे देता है, जो देख के मायूम पूरी शॉक हो गई थी कि ये हो क्या रहा है और उसे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए खुद को। और इन सब के बाद दलियांग कुछ ना बोल के वहाँ से सीधा घर चला जाता है। फिर रात को चोई जनहेमी से एक रेस्टोरेंट पे मिलता है और वो उसे समझाता है कि मिस्टर ना को उनके कंपनी से ना ले ले
लेकिन जंगहेमी कहता है उसका कंपनी मिस्टर नाको चाहता है, तो इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये बात सुन के डायरेक्टर चुई खामोश हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह ऑफिस में चियोल जंगयान और मायम को एक साथ मीटिंग रूम में बुलाता है, जहां वो उन दोनों को पढ़ने के लिए एक कॉमिक देता है, और जो कॉमिक मायम ने पहले से पढ़ी थी लेकिन जंगयान ने नहीं पढ़ा था। फिर चियोल कहता है ये कॉमिक बहुत पहले जमाने का है जो बच्चे लोग बहुत पसंद करते थे, और अब हम इस कॉमिक का रिमेक बनाने वाले हैं, तो क्या वो दोनों इस काम को कर सकता है, जिसके लिए वो दोनों राजी हो जाते हैं। फिर रात में चोई मिस्टर ना के घर में जाता है और उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता है कि वो इस कंपनी को ना छोड़े। फिर सुबह मिस्टर ना एक मॉल के अंदर होते हैं, जहां वो इस बात को सोच सोच के परेशान हुए जा रहा था कि वो प्रिंसेस कोमिहो को कंटिन्यू करे या ना करे। तभी उसे वहाँ कॉमिक कैरेक्टर प्रिंसेस कोमिहो दिखाई देता है, जो चल के इधर उधर जा रहा था, और वो उसका पीछा करते हुए मॉल में घूमने लग जाता है। फिर वो और उसकी गर्लफ्रेंड मिलके खाना खाते हैं, तभी वो फिर से प्रिंसेस कोमिहो को एक जगह बैठे हुए देखता है, और फिर वो खाना वाना छोड़ के उसका पीछा करने लग जाता है। और इन सब वजह से उनका गर्लफ्रेंड तो एकदम गुस्से में बॉम्ब हो गया था, बस फटने की देर था, और वो तब बाहर आके बैग से दे मारती है एक उसके माथे पे। तो मिस्टर ना कहता है उसने अभी प्रिंसेस कोमिहो को यहाँ पे देखा था, तो फिर वो ये बोल के चली जाती है कि वो सिर्फ प्रिंसेस कोमिहो से ही प्यार करती है, उससे नहीं करती। फिर मिस्टर ना घर आके प्रिंसेस कोमिहो का पोस्टर, उनका किया गया ड्राइंग और सभी यादों को याद करके उनके आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वो चोई को कॉल करके बताता है वो प्रिंसेस कोमिहो को कंटिन्यू करने वाला है, जो सुन के चोई तो बहुत खुश हो गया था और वो उसे थैंक यू करता है। फिर मायम आके उनसे पूछती है क्या हुआ है, तो वो बोलता है मिस्टर ना इस कॉमिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो सुन के मायम हैरानी में नीचे गिर जाती है। फिर चोई उसे उठा के कहता है मिस्टर ना ने कहा है वो नया वेबटून बनाना चाहता है जो वो प्रिंसेस कोमिहो के साथ ही अपलोड करेगा, और ये सुन के वो दोनों ही बहुत खुश हुए थे। फिर वो दोनों मिलकर मिस्टर ना के घर में जाके बियर पीते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, और वो दोनों उनसे थैंक यू भी करती हैं। मिस्टर ना कहता है मुझे थैंक यू मत बोलो, ये सब प्रिंसेस कोमिहो के वजह से ही हुआ है, और तुम दोनों को क्या पता है कल सुबह मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चला गया है, जो सुन के वो दोनों फिर से हंस पड़ते हैं और हंसते ही रहते हैं। उन्हें तो लग रहा था वो उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन मिस्टर ना कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। फिर ऑफिस में आके चोई जंगयान से कहता है उसे पोमी पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो पोमी को भी वो लोग छीन सकता है हमसे। फिर वो पोमी के घर में जाके पोमी को पटाने की कोशिश में लग जाता है कि वो वेबटून को छोड़ के ना जाए। फिर जंगयान ऑफिस में आके मायम और जंगयान मिलके एक साथ कॉमिक की रीमेक तैयार करने के काम में जुड़ जाता है, और फिर दिखाया जाता है सभी कॉमिक के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। फिर सुबह मीटिंग में जंगयान सबको बताता है कि वो पुराने कॉमिक में कैसे लव स्टोरी को ऐड कर सकता है, जो आइडिया सबको बहुत पसंद आया था। फिर मायम की बारी आती है, मायम दलियांग के कॉमिक के बारे में बताता है उसका कॉमिक का ड्राइंग का मोटिवेशन था सबके अंदर छुपे हुए डर को कैसे हटाया जाए, जिससे चोई उसकी तारीफ करता है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद मायम के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। मायम जब कॉल उठाता है तो कोई बात करता है या नहीं हमें अभी दिखाया नहीं जाता, सिर्फ दिखाया जाता है डायरेक्टर चोई से एक लड़की मिलने आया है, और वो दोनों एक गाड़ी में बैठ के एक साथ कहीं चला जाता है, और इस तरफ को उन दोनों के जाते हुए मायम और जंगयान देख लेता है। फिर वो लड़की चोई से कहता है वो उसे एक अच्छा राइटर बनाना चाहता है, वेबटून का सबसे अच्छा इंसान, जो सुन के चुई बहुत ही हैरान हो गया था। इस महिला का क्या काम है हमारी वेबटून में, और इसके साथ चुई का क्या कनेक्शन है, ये हम जान पाएंगे अगले एपिसोड में। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। हमारी टुनटुन एक्सप्लेनेशन चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।